नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार आपके विद्यालय में अब केवल 13 पंजिकाएँ होंगी। इन 13 पंजिकाओं में एक पंजिका है आपकी पुस्तकालय व खेलकूद पंजिका। पहले ये अलग अलग होती थी, लेकिन अब दोनों को समेकित कर दिया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंजिका है, क्योंकि इस पंजिका के आधार पर आपको 10 अंक मिलने हैं। क्योंकि जैसे ही आप परफॉर्मेंस इंडिकेटर भरेंगे मानव संपदा पोर्टल पे, तो उसमें 10 मार्क्स आपके पुस्तकालय और खेलकूद पंजिका के ही हैं, तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारी कैसी होगी पुस्तकालय और खेलकूद पंजिका, क्योंकि इसका प्रारूप जारी कर दिया गया है, और ये भी जानेंगे कि इसमें क्या क्या सूचनाएं हमें दर्ज करनी होंगी, क्योंकि ये पंजिका महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर हमारे 10 अंक होंगे, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आदेश देख लेते हैं कि आदेश में पुस्तकालय और खेलकूद पंजिका के बारे में क्या कहा गया है। पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका, इस पंजिका के दो भाग हैं। पहला है आपका पुस्तक आवंटन का विवरण एवं खेलकूद सामग्री का विवरण, दो भाग इसके हैं। इस पंजिका में पुस्तकालय वाले भाग में पुस्तकों के इश्यू और उनकी वापसी का विवरण दर्ज किया जाएगा, पुस्तक के निर्गमन की तिथि और प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर तथा पुस्तक की वापसी की तिथि तथा प्रभारी का हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा। इस पंजिका का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास करना व उनका ब्यौरा रखना है, और इसके साथ साथ खेलकूद सामग्री वाले भाग में खेलकूद सामग्री का नाम, निर्गमन तिथि, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर आदि विवरण यथास्थान अंकित किए जाएंगे। इस पंजिका को नियमित तौर पर अद्यतन किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि ये आपको नियमित रूप से अद्यतन करनी है। ऐसा नहीं कि आप एक बार पंजिका बना लेंगे तो आप इसको अद्यतन नहीं करेंगे, तो आपको 10 मार्क्स आपके इसमें नहीं मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह का इसका प्रारूप है। सबसे पहले इसमें मिशन प्रेरणा का लोगो होगा और दूसरी तरफ शिक्षा का अधिकार। तो ये पंजिकाएं जल्द ही मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगी और आपको कंपोजिट ग्रांट से इनको खरीदना है। थोड़ा इंतजार करें, 4-5 दिन में ही शायद ये संभवत है मार्केट में आ जाएंगी और आप इनको क्रय कर लीजिए कंपोजिट ग्रांट से, क्योंकि सभी में एक रूपता लाने के लिए प्रारूप जारी किए गए हैं, जिससे कि सभी विद्यालयों में एक रूपता रहे। तो इस तरह का इसका कवर पेज होगा, पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। इस तरह की इसमें पिक्चर्स बनी होंगी खेलकूद की, काफ़ी सुंदर पंजिका है। इसमें कुछ एंट्री आपको दर्ज करनी होगी, जैसे विद्यालय का नाम, आपके विद्यालय का क्या नाम है, उसके बाद आपका विद्यालय प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है या कंपोजिट है, तो इसमें आपको लिखना है। उसके बाद विकासखंड, फिर जनपद और फिर यूडाइस कोड, ये सब एंट्री आपको जो उसका कवर पेज होता है उस पर आपको दर्ज करनी है। जैसे ही आप कवर पेज के बाद इसे पंजिका को ओपन करेंगे, तो सबसे पहला पेज आपका यही होगा, पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। इसमें भी आपको यही विवरण दर्ज करनी है, विद्यालय का नाम, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट, विकासखंड, जनपद और यूडाइस कोड। लगभग 400-410 इस तरह के इतने पेज इस पंजिका में होंगे। तो इसमें जैसे ही आप तीसरा पेज खोलेंगे, तो इसमें आपके लेफ्ट साइड में ये कॉलम बने होंगे, पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका पुस्तक आवंटन विवरण। तो इसमें आपको विद्यालय का नाम लिखना है सबसे ऊपर, उसके बाद क्रम संख्या, उसके बाद पुस्तक संख्या। पुस्तक संख्या से हमारा मतलब है, जैसे ही आपके पुस्तकालय में जो पुस्तक है, तो उनमें आप अपने अनुसार पुस्तक संख्या भी उनका क्रमांक दे सकते हैं। वैसे पुस्तक संख्या क्रमांक पड़ा भी होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मार्कर से उनमें पुस्तक संख्या नंबर दे सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी से पहचान हो जाए कि आपकी पुस्तक संख्या क्या थी। पुस्तक संख्या, दूसरा है पुस्तक का नाम, किस पुस्तक उसको पुस्तक का नाम क्या है। तीसरा कॉलम है विद्यार्थी का नाम एवं कक्षा, जिस बच्चे को आप पुस्तक दे रहे हैं पढ़ने के लिए उसका नाम लिखा जाएगा और उसका कक्षा लिखा जाएगा। तो तीन कॉलम आपके लेफ्ट साइड में होंगे। उसके बाद जैसे ही आप राइट साइड में जाएंगे, तो राइट साइड में आपका कॉलम नंबर विकासखंड, सबसे ऊपर विकासखंड यहाँ पर लिख देंगे, जनपद, शैक्षिक सत्र, ये सब लिख देंगे। उसके बाद नंबर चार पे है निर्गमन तिथि, यानी आपने बच्चे को पुस्तक किस डेट को दी। ऐसा भी हो सकता है कि आप उसे घर के लिए दे दें, तो निर्गमन तिथि और प्राप्तकर्ता तिथि अलग होगी, और ऐसा भी हो सकता है आप प्रत्येक दिन दें, तो प्रत्येक दिन दे रहे हैं तो निर्गमन तिथि में वही दिन होगा, और अगर
घर के लिए भी दे रहे हैं, तो आपका निर्गमन तिथि में वो तिथि लिखी जाएगी जिसमें जो है जिस तिथि में आप बच्चों को घर के लिए पुस्तक दे रहे हैं। उसके बाद प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, यहाँ बच्चे के साइन कराने हैं आपको, बच्चे के साइन करवाने के बाद उसके बाद वापसी तिथि, यानी किसी तिथि को बच्चे ने उसकी पुस्तक को आपको वापसी करा, यहाँ पर वो तिथि लिखी जाएगी। और यहाँ पर प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय के प्रधान होंगे, शिक्षक कोई भी हो सकता है, किसी को भी आप बना सकते हैं, तो उनके हस्ताक्षर होंगे। और उसके बाद टिप्पणी लिखी जाएगी, अगर पुस्तक में कोई कमी हो गई, फट गई या कुछ हो गया, तो इसमें टिप्पणी भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका पुस्तकालय निर्गमन पुस्तक के बारे में इसमें डिटेल है। जैसे ही आप इस पंजिका को बीच से खोलेंगे लगभग 200 पेज के बाद, उसके बाद आपके पास दूसरा कॉलम आ जाता है पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। यहाँ पर आपको खेलकूद सामग्री का विवरण लिखना है। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे, उसके बाद क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, उसके बाद खेलकूद सामग्री का नाम, आप बच्चे को क्या दे रहे हैं, फुटबॉल दे रहे हैं, बैट दे रहे हैं, बैडमिंटन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो इसमें लिखेंगे। और विद्यार्थी का नाम और कक्षा, किस बच्चे को आप दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है फुटबॉल ले रहा है, एक बच्चा ले रहा है लेकिन खेल सब रहे हैं, लेकिन जो बच्चा ले रहा है उसका नाम आप इसमें लिखेंगे, ये आपका लेफ्ट साइड का होगा। उसके बाद जैसे ही आप राइट साइड पे जाएंगे तो राइट साइड पे फिर आपके पास ये कॉलम होंगे, विकास खंड, जनपद और शैक्षिक सत्र। तो ये आप लिख देंगे निर्गमन तिथि, जिस तिथि को आप बच्चे को आप खेलने के लिए दे रहे हैं, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद वापसी, हाँ या नहीं, ऐसा भी हो सकता है आपने बच्चे को कोई चीज खेलने के लिए दी और वो टूट गई, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है वो नहीं टूटी। अगर टूट गई तो आप नहीं पे क्लिक कर देंगे, और अगर टूटी नहीं, बच्चे ने वापसी कर दी वो चीज, तो यहां पे हाई हाँ लिख देंगे प्रभारी के हस्ताक्षर। और अगर मान लीजिए टूट गई है वो, मान लीजिए आपने बॉल बच्चे को खेलने की दी और बॉल खो गई बच्चों से, तो आप उसे बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद आप टिप्पणी लिख देंगे कि टिप्पणी में कि बच्चों से बॉल खो गई है या टूट गई है, जो भी आपका कारण होगा वो सब आप इसमें लिख देंगे। तो इस तरह से इसको आपको मेंटेन करना है, प्रत्येक जब भी आपका घंटा आपका खेलकूद का होगा या पुस्तकालय का होगा तो आपको इसको लगभग मेंटेन करना है। सप्ताह में 1-2 एंट्री इसमें जरूर हो जानी चाहिए, जिससे कि आपको आसानी से 10 मार्क्स मिल सके। और इसके सबसे लास्ट में जितनी भी पंजिकाएं हैं उनके सबसे लास्ट में हमारे प्रेरणा लक्ष्य लिखे गए हैं, भाषा के प्रेरणा लक्ष्य हैं और इसके साथ साथ गणित के प्रेरणा लक्ष्य हैं। तो साथियों, इस तरह से ये हमारी खेलकूद पंजिका और पुस्तकालय पंजिका हुई। मैं लगभग सभी पंजिकाओं की वीडियो बनाऊंगा, लगभग 5-6 वीडियो मैं बना चुका हूँ, हमारी 13 पंजिकाएं होंगी, क्योंकि एक बार पता चल जाएगा तो हम अच्छे से इसको मेंटेन कर सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।